आज हम सीखेंगे कि एक मिनट में मोबाइल से कैसे चैनल बनाएं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं, या आप एक हाउसवाइफ हैं, या आप खाली हैं, बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, आप कोई भी हैं, आज के दौर में आपको सोशल मीडिया का यूज करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि बिलीव मानिए, अगर आप संस्था चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, कोचिंग है, कंसल्टिंग है, आपका बिजनेस है, आप कुछ भी करते हैं आज के दौर में, लेकिन अगर आपने सोशल मीडिया का यूज नहीं करा तो यू आर नॉट इन द गेम। आप गेम में नहीं, आप पीछे हैं, बहुत पीछे। क्यों? क्योंकि ये दुनिया है डिजिटल, ये डिजिटल दौर है, इसमें आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये फ्री मीडियम्स यूज नहीं कर रहे हैं, जो ट्विटर है, गूगल है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो आप गेम में नहीं, आप बाहर हो जाएंगे, आप पिछड़ जाएंगे, आप डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा कंपीट करते रह जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं आपके पास कस्टमर्स नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास बिजनेस नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास किसी भी चीज की कमी है, तो देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ आपकी सोच में। तो आपको ये सारी चीजें अप्लाई करना ही होंगी अगर आप चाहते हैं कि आप डोमिनेट करें, आप चाहते हैं कि आप, मैं चाहता हूं कि मैं हर समय हर जगह अवेलेबल रहूं, तो वो कैसे रह सकता हूं? सोशल मीडिया से। आप सोशल मीडिया से आप हर जगह, आई वांट टू बी एवरीवेयर ऑल एट द सेम टाइम, एक ही समय में आप 20 जगह अवेलेबल हो सकते हैं। आपकी ये वीडियोज, आपका यूट्यूब चैनल बहुत जरूरी है आज के दौर में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आज के विनर्स देख लेते हैं। रवि प्रकाश, टेक्निकल शिवम सपोर्ट, आर मीम्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पे देखिए आपको दिख भी रहा है। सबसे पहले नंबर पे क्या करना है आपको, आपको अपना यूट्यूब ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये राइट साइड हैंड पे ऊपर की तरफ को यहाँ पे एक सर्किल बन के आता है, फोटो, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐसे, और क्लिक करने के साथ में ही जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी लॉग इन आईडी के लिए पूछेगा। तो आप यहाँ पे जाके यहाँ पे अपनी आईडी, ईमेल आईडी होना जरूरी है आपको चैनल क्रिएट करने के लिए। तो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आप अपनी डाल देंगे ऐसे, उसके बाद अपना पासवर्ड डाल देंगे और आपका चैनल बन गया। बस अब सीधे से सिंपल से फिर से आना है, इसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको नीचे लिखा है योर चैनल। योर चैनल पे जैसे आप क्लिक करेंगे और आपका चैनल क्रिएट हो गया। आप यहाँ से कस्टमाइज सेटिंग भी कर सकते हैं, अपने चैनल का नेम है, डिस्क्रिप्शन है, या आप चेंज कर सकते हैं, फोटो है, प्रोफाइल है, चैनल बैनर है। तो चैनल को कस्टमाइज कैसे करना है अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो पूरी देख लीजिएगा। उसमें मैंने ए टू जेड बताया है कि कौन कौन सी सेटिंग ऑन करना है, एग्जैक्ट आपको क्या क्या करना है। एक सेकंड में आपका चैनल रेडी हो गया और यहाँ ये अपलोड है। अपलोड पर से बस आप अपलोड करते रहिए, वीडियो डालते रहिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सीधे आपको सीधे से यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो में आना है ये, और यूट्यूब स्टूडियो में से आके ये यहाँ पे देखिए ये सेटिंग है। मोबाइल में अगर आप कर रहे हो तो मोबाइल में भी आप यहाँ पे आएंगे सेटिंग में, और चैनल सेटिंग है ये। चैनल सेटिंग के बाद यहाँ पे चैनल पे आएंगे आप। चैनल पे आने के बाद में ये आपको यहाँ पे पैनल नंबर पे तो ये चैनल के कीवर्ड्स फिल करने हैं कि आपका चैनल ऑलरेडी किस टॉपिक से है, है ना, किस कैटेगरी से। अगर कैटेगरी और टॉपिक वाला नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग इसी में गड़बड़ करते हैं क्योंकि उनको अपना टॉपिक नहीं पता होता और वो चैनल के कीवर्ड, जैसे ये इंग्लिश वाला है, ये कम्युनिकेशन स्किल का है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड चैनल पड़े हुए हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसी की हमको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। आप ये एडवांस में आएंगे, यहाँ पे आप डाल दीजिए कि आप ये बच्चों के लिए चैनल बनाते हैं या नहीं। तो ये बार बार आपसे पूछेगा कि आपकी जो वीडियो है मेड फॉर किड्स के नहीं, मेरी वीडियो बच्चों के लिए नहीं है, तो मैंने परमानेंट यहाँ पे नो कर रखा है ये। यहीं से आप लिंक अकाउंट करेंगे अपने, जितने भी आपको लिंक अकाउंट है। मैंने जब वो सर्वे करा था, सर्वे वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा कि आपका एडसेंस अकाउंट लिंक है या नहीं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट लिंक्ड है नहीं। मैंने यहाँ पे तीन अकाउंट लिंक कर रखे हैं, आप एक दो जो भी चाहे वो लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका लिंक अकाउंट हो जाएगा एडसेंस का जो भी है। फिर आपको ये अपलोड डिफॉल्ट्स में जाना है। अपलोड डिफॉल्ट्स में जाने के बाद फिर यहाँ पे बेसिक इन्फो यहाँ पे आपको भरना है। अगर आप चाहें कि ये वीडियो आपकी जो है उसे छोड़ देंगे वैसे, क्योंकि ये हर बार अलग आपको भरना होती है, क्योंकि वीडियो आपकी अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। एडवांस सेटिंग में आएंगे, एडवांस सेटिंग में नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी वीडियो किस लैंग्वेज में है। तो वीडियो आपकी जिस लैंग्वेज में हो वो आप वीडियो लैंग्वेज अपनी भर देंगे। उसके बाद लाइसेंस, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है या क्रिएटिव कॉमन है। मैं क्रिएटिव कॉमन रखता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो कोई भी कहीं पर भी यूज कर ले तो मुझे कोई दिक्कत ना हो, तो मैं क्रिएटिव कॉमन रखता हूं। आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो को दूसरा कोई यूज ना करे तो आप रखेंगे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। ठीक है, उसके बाद में
अगला है ये कैटेगरी, ये है इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर ऑटो व्हीकल्स वाला है तो आप ऑटो व्हीकल्स कॉमेडी है तो कॉमेडी, पढ़ाते हैं तो एजुकेशन, इंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट है ना, नॉन प्रॉफिट है आपके, फर्म है, एनजीओ है, तो यहाँ पे ये वाला पीपल ब्लॉक। तो इसको देख के जो सी आपकी कैटेगरी है वो साफ सिलेक्ट कीजिए। ये मेरा चैनल एजुकेशन का है तो मैंने एजुकेशन यहाँ पे कर रखा है। वीडियो लैंग्वेज मेरी हिंदी है तो मैंने हिंदी कर रखी है। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज आपकी क्या है, वो मेरी इंग्लिश रहती है तो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज इंग्लिश है तो मैं इसको यहां से ये इंग्लिश सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, फिर आपको यहां पर और कोई भी सेटिंग नहीं करना है, इसको सेव कर देना है बस। ये आपका मेन काम है, क्यों, क्योंकि आप देखिए समझिए, अब जो टाइटल और टैग आपको वीडियो में देना है, मतलब आप जो कीवर्ड्स वीडियो में यूज करेंगे वही कीवर्ड्स आपके चैनल पर भी होना जरूरी है। तो क्या होता है कि लोगों को पता होता है, गूगल को पता चलता है, यूट्यूब को पता चलता है कि इनका चैनल किस चीज का है, और वही वही कीवर्ड्स आपकी वीडियो में है, वही कीवर्ड्स आपके चैनल पर है, तो ज्यादा चांसेस है कि आपकी वीडियो जल्दी ग्रो करेगी। तो ये तीन सेटिंग्स थी, इसको इंपॉर्टेंट फिर से आप समझ लीजिए, ध्यान कर लीजिए कि ये सेटिंग्स आपको जरूर करना है। मैंने देखा है यहाँ पे कैटेगरी गलत सिलेक्ट करे होते हैं जिसकी वजह से वो सही जगह पे शो नहीं होता है चैनल, क्योंकि कैटेगरी आपकी व्लॉग वाली है ना, पीपल से रिलेटेड है, हाउ टू वाली है, तो पता ही नहीं, म्यूजिक वाली है, एंटरटेन, तो वो इसको पता होता है ना चैनल को कि आपकी कैटेगरी कौन सी, आपका टॉपिक कौन सा है, तो फिर वो उसी को दिखाएगा। ठीक है, उन्हीं उन्हीं लोगों को दिखाएगा। ठीक है, तो बस यही है, इतना आप करिए और आप देखिए कि आपकी वीडियो पे व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। यही तीन मेन सेटिंग्स थी।